Zoning Committee. मैं जी यहाँ पे आपको 10-15 मिनट के लिए कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीजें बता सकूँ कि जिसके साथ आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाए, क्योंकि इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अनडिस्कवर्ड सा एरिया है। और एक कंसेप्शन, एटलीस्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो ये था कि कोई साहब आएंगे बस्ता बगल में चुका के और बैठ जाएंगे और जाएंगे नहीं, अब तक आप कुछ ले नहीं लेंगे उनसे। तो ये इस कंसेप्ट से मार्केट इंश्योरेंस को देखती थी मेरे ख्याल से। फिर जब मैं खुद इंश्योरेंस में आया और मैंने आके देखा कि उसमें किस तरह के लोग हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत तस्वीर है। उसके बाद से जब भी मैं किसी फोरम पे इंश्योरेंस के हवाले से बात करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को कोई मेमोरी दे सकूँ कि जिसके साथ जब वो वापस जाएँ तो उनको इंश्योरेंस की अहमियत का और उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा रहे। मेरी प्रेजेंटेशन उमूमन बहुत नॉन सीरियस होती हैं और उसमें सिर्फ कोशिश ही की जाती है कि वो मैसेज ड्राइव किया जाए कि जिसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव आपको हासिल हो सके। इस प्रेजेंटेशन में भी मैं कुछ नॉन सीरियस नॉन कन्वेंशनल बातें करूँगा। पहले मैं आपको एक क्लिप वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उस वीडियो क्लिप का इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन मैंने बना दिया, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो क्लिप है। आप चला देंगे स्क्रीन को, बड़ा कर दीजिए इसको, मैक्सिमाइज करते हैं प्लीज, साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, विजुअल इफेक्ट है। इसका कैप्शन है पुट स्टेन्स बैक वेयर दे बिलोंग। इंश्योरेंस का मतलब है कि रिस्क, पुट रिस्क बैक वेयर इट बिलोंग्स। तो ये इसका एक मैंने रिलेशन जो मैंने कोशिश करी है। अब वो जो प्रेजेंटेशन है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक केस स्टडी बनाई छोटी सी। टाइटैनिक का नाम सबने सुना होगा, टाइटैनिक एक बहुत मशहूर शिप था, उसको मैंने रिलेट किया इंश्योरेंस से। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको उससे पहले लफाजी करूँगा, वो आपको बता देना पड़ेगी 5 मिनट, आई एम सॉरी। ये आप सब लोग नहीं देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या बना हुआ है, लेकिन इसका मैसेज वही था कि एक साहब आए हैं बगल में उनके एक बस्ता है, वो जा नहीं रहे अब तक, आप कुछ नहीं लेंगे। तो इसमें भी मैसेज वही है कि यू हैव बीन शेकिंग माय हैंड फॉर 6 मिनट्स, सेड माय नेम्स 19 टाइम्स इन अ सिंगल सेंटेंस एंड मिरर्ड एवरी जेस्चर आई हैव बीन इंक्लूडिंग सिंस माय नो स्पीक आई डिड जस्ट टू जस्ट यू। आई एम गेसिंग यू हैड टू सेल मी समथिंग। मैं भी आपको यहाँ इंश्योरेंस बेचने आया हूँ, हूँ इंजीनियर लेकिन बेच रहा हूँ इंश्योरेंस। तो ये वो मैसेजेस हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप रिलेट करें इंश्योरेंस के साथ। आगे चलिए, इंश्योरेंस में रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जी, और EFU के अंदर उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को समझ नहीं लेंगे उसको इंश्योर कैसे करेंगे, और जब हम समझ लेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि उसको सही सोल्यूशन दे सकें। इस चीज़ का नाम रिस्क मैनेजमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि आइडेंटिफाइंग रिस्क बिफोर दे आर कन्वर्टेड इनटू लॉसेस। इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज इंजीनियर्स होते हैं जो कि हर सेक्टर को एड्रेस कर रहे होते हैं, सीमेंट के लोग सीमेंट को, रिफाइनरी के लोग रिफाइनरी को, फर्टिलाइजर के लोग फर्टिलाइजर को, और फिर वो उस इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जमा करके उस इंडस्ट्री को बताते हैं कि जी वो कौन से एरियाज हैं जिनको आपने कवर करना है ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से आपको लॉसेस ना आए। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे सारे अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं इसलिए मैंने इस स्लाइड को खासतौर पर शामिल किया, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स की एक अबदी जंग है जो हमेशा चलती रहेगी। इंजीनियर्स अपने आप को सुपीरियर बोलते रहेंगे, अकाउंटेंट्स अपने आप को बोलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाए तो उसकी मेजरमेंट की जाए। मैं इस बात से बहुत मुत्तफिक हूँ, और जब तक मैं रिस्क की मेजरमेंट नहीं करूँगा तो मैं समझाऊँगा कैसे कि वो रिस्क ज़्यादा है या कम है। सिर्फ मेरे कह देने से कि वो अच्छा है या बुरा है, ज़्यादा है या कम है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने एक सिंपल सा तरीका निकाला कि जी रिस्क को कोई मेजर करना है
तो उसका मतलब है कि हैजर्ड और एक्सपोजर को मिला लिया जाए तो आपको रिस्क की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके लिए एक चार्ट बना दिया और उस चार्ट पे मैंने आपको वो एरियाज दिखा दिए कि जहां पे रिस्क अगर आपने हैजर्ड और एक्सपोजर की वैल्यूज को मल्टीपल किया तो वो लो में जाएंगे या नॉर्मल में जाएंगे या हाई में जाएंगे। तो इस तरह से जब अकाउंट्स वालों के साथ हम बात करते हैं तो उनको समझने में आसानी होती है कि ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में बहुत सिंपल सी मैंने बात करी की थी प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर अच्छा रिस्क है तो अच्छा रेट होगा, इसका मतलब है कि लेस प्रीमियम होगा। और बुरा रिस्क है तो जी बुरा रेट होगा और प्रीमियम ज्यादा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी बड़े रिस्क को कम करने का नाम है ताकि हम उस रिस्क के अंदर से वो खतरात निकाल सकें कि जिसकी वजह से कोई लॉस आ सके। लेकिन इंश्योरेंस ने अगर सारे खतरात निकाल दिए तो इंश्योरेंस कौन कराएंगे? तो इसलिए हम ज़्यादा खतरात नहीं निकालते हैं, कुछ रहने देते हैं ताकि क्लेम हो जाए और आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती रहे। अब मैं आपको उस टाइटैनिक की केस स्टडी के अंदर ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये साबित कर सकूं कि इस किस्से का इंश्योरेंस से क्या ताल्लुक है। ये शिप है और आप लोग समझ रहे होंगे ये टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। इस शिप का नाम था ओलंपिक। ये उसी कंपनी ने बनाई थी जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उस कंपनी का नाम था वाइट स्टार लाइनर। और नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। नीचे वाली शिप टाइटैनिक है, जो ऊपर वाली शिप है इसका नाम ओलंपिक है, वो 1911 में बनी थी और टाइटैनिक 1912 में बनी थी। और दोनों में जो कॉमन चीज थी कि उसके मालिक एक थे, वाइट स्टार वाले। नेक्स्ट स्लाइड। 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक सिंक हुई थी। ओनर मैंने आपको बता दिया कॉमन था और वो जिस जगह बनी जिस शिपयार्ड में वो भी कॉमन था और वो शिपयार्ड था बेलफास्ट के अंदर। ये थोड़ी सी टाइटैनिक की डिटेल्स है कि 882 फीट लेंथ थी उसकी, उसके जो टोटल टनिस थी वो 46,238 टन उसका वजन था, उसमें 29 बॉयलर्स थे जो उसके 3 इंजन्स को चलाते थे। पॉसिबल टॉप स्पीड थी उसकी वो 23 नॉट थी। उस जमाने में 1912 में इस शिप की रफ्तार 23 नॉट थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ी सी मैंने टाइमलाइंस निकाल दी। 10 अप्रैल को इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया 12 बजे और उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए। 12 अप्रैल को दो दिन के बाद पहली दफा उनको रिपोर्ट किया गया कि आपके रास्ते में आइसबर्ग्स हैं। 14 अप्रैल को दोबारा रिपोर्ट किया गया कि आपके रास्ते में आइसबर्ग्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और उनसे कहा गया कि अपनी स्पीड को मेंटेन करें 22 नॉट पर, थोड़ा सा रास्ता अपना ऑल्टर कर लें। 14 अप्रैल को एक मूनलेस नाइट थी जब समुंदर बिल्कुल काम था और टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे थे। उस दिन रात को 11 बजे कैलिफोर्निया ने रेडियो मैन ने उनको कहा कि जी आपके सामने आइसबर्ग्स आ गए हैं, आप ख्याल करें। तो जो ऑपरेटर था टाइटैनिक के अंदर उसने जवाब दिया कि उस शट अप, आई एम बिजी, आई एम वर्किंग अ केप रेस। अब टाइटैनिक जब बनी थी तो उसको दुनिया की सबसे तेज रफ्तार शिप का खिताब दिया गया था और जब वो अपने पहले वॉयज पे गई तो कहा गया था कि वो सबसे तेजी से उस डिस्टेंस को कवर करेगी जो साउथहैम्पटन और न्यूयॉर्क के बीच में है। तो सारे लोगों का माइंडसेट यह था कि हमने इस रिकॉर्ड को जो पुराना है तोड़ना है। तो बावजूद वार्निंग्स के जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा कि हमें ना बताओ, हम तेज चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब 11:40 में 11 बजे वार्निंग आती है, वो बोलते हैं शट अप, वी विल कंटिन्यू द रेस। 11:40 पे आइसबर्ग डेडली अहेड अलार्म आता है फ्रॉम द क्रोज नेस्ट। क्रोज नेस्ट उस जगह को बोलते हैं जो शिप के आगे एक जगह होती है जहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं सामने कुछ चीजें देखने के लिए। अब शिप के